बिमिरासमैम दोस्तों मैं महूफ़ियाज सईद दोस्तों आज हम करेले और बेसन के साथ बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी लेकर आए हैं इन आपको बहुत ही पसंद आएगी रहीम तो यहाँ हमारे पास आधा किलो करेले हैं जिसको हमने छीन लेना है छीन लेने के बाद इसकी हमने कटिंग करनी है इस तरह से क्यूब्स में इसको काट लेंगे काट लेने के बाद अब बारी है उसके ऊपर नमक लगाने की तो इसके ऊपर हमने एक चम्मच नमक लगा देना है और इसको मिक्स करने के बाद कम अज़ कम एक घंटे का इसे स्टे देंगे तो इसे कर देते हैं यहाँ साइड पर बिस्मिल्हरा मालूम रहीम तो यहाँ लेके पैन उसमें ऐड कर देंगे एक कप बेसन बेसन को करना है हमने रोस्ट जब तक इसमें से भुने हुए चनों की खुशबू आना छोड़ नहीं जाती तो ये यह देखिए यहाँ इसको हमने रोस्ट कर लिया है इससे भी कर देते हैं साइड पर बिस्मिल्हरा मानू रही तो यहाँ आप लेंगे कढ़ाई उसमें ऐड कर देंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और इसमें अब धोकर हमने करेले ऐड कर देने हैं जो नमक हमने सारा उतार दिया था करेले इसमें ऐड करेंगे करेले हमने करने हैं फ्राई जब तक इसके ऊपर गोल्डन कलर नहीं जाता और ये थोड़े से क्रिस्पी नहीं जाते तो इसको हम फ्राई करते रहेंगे तो आपको दिखाते हैं किस तरह से हो जाएंगे तो ये देखिए कलर चेंज हो रहा है और ये देखिए अब ये क्रिस्पी हो चुके हैं लाइट गोल्डन कलर में आ चुका है अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च वन टेबल स्पून सब्ज़ मिर्च ऐड करने के बाद उसको पकाएंगे इसमें और साथ ही यहाँ पर इसमें हम ऐड कर देंगे पाउडर मसाले भी तो सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे नमक ये जाएगा वन टीस्पून वन टी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे हल्दी जाएगी हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे और अब इसको पकाएंगे इस मसालों में दो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी और यूनिक बनती है अगर आपने पहले ट्राई नहीं की जरूर ट्राई कीजिएगा इन आपको बहुत ही पसंद आएगी अब बारी है इसमें बेसन ऐड करने की जिसको हमने भून लिया था अब बेसन इसमें मिक्स करेंगे उसको पकाएंगे बेसन और हमने पका लिया था इसको ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है तो आपको दिखाती है इसको तकरीबन हमने दो से तीन मिनट के लिए मज़ीद पका लेना है तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है इसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा बनता है अब हम इसको मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए लास्ट मिस में इसमें सब्ज धनिया ऐड कर देंगे इसको मिस कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ हमारी जो रेसिपी अब बनकर तैयार है करते हैं इसको डिश और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं फियान सारी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो की को लाइक कीजिएगा और नीचे बेल आइकन का बटन वो भी जरूर दबाइएगा शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी बहुत ही मजा बेसन और करले की के रेसिप बनकर तैयार है उम्मीद करें दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद के यूट्यूब यूट्यूब वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छा कमेंट भी जरूर कीजिएगा इंशाल्लाह को जब जो मिलेगा ब्रेकफास्ट रेसिपी के मिनट रेसिपी के स्नैक्स रेसिपी के लिए चिकन रेसिपी प्लाउट रेसिपी के लिए बिरानी रेसिपी की मज़ीज़ रेसिपी के लिए चैनल के सेक्शन में जाएँ तो दीजिए फिलहाल सारी को इजाज़त अल्लाह हाफिज़